गाइस, वेलकम टू आवर चैनल साइंस मैडनेस। आई एम सजल भानुशाली और आज का जो हमारा डिस्कशन है वो होगा सेल ऑर्गेनल्स के बारे में। तो बच्चों, व्हाट आर ऑर्गेनल्स? अच्छा, सेल तो पता है हमको, हम लोग काफी कुछ पढ़ चुके हैं सेल के बारे में। व्हाट आर ऑर्गेनल्स? ये ऑर्गेनल्स जो वर्ड है इसका मतलब क्या है? अच्छा, ऑर्गेनल्स पूरे वर्ड में आपको एक छोटा सा वर्ड दिख रहा है, ऑर्गन। ऑर्गन मतलब क्या होता है? ऑर्गन्स तो हम लोग बचपन से पढ़ रहे हैं। ऑर्गन्स मतलब वी नो द ह्यूमन ऑर्गन्स, जैसे कि हमारा ब्रेन है जिसका काम है सोचना। यस, वी हैव आवर हार्ट जिसका काम है ब्लड पंप करना। वी हैव स्टमक जो डाइजेशन में हेल्प करता है। तो वी कैन सी कि हमारे बॉडी में अलग अलग ऑर्गन्स होते हैं जिनका अलग अलग काम होता है, दैट इज डिविजन ऑफ लेबर, राइट? तो वॉट आर ऑर्गनल्स? The word organelles literally translates to what? Little organs. Okay, organelle पूरे word का मतलब क्या है? Little organs. तो since हम लोग cell के बारे में पढ़ने वाले हैं, तो cell organelles मतलब cell के अंदर, ये पूरा cell दिख रहा है आपको, इसके अंदर छोटे 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 organs हैं, तो those are your cell organelles. और इसी के बारे में हमारा आगे आने वाला पूरा chapter है। अब जो main organs है cell के, okay, जैसे कि nucleus और सेल वॉल और साइटोप्लाज्म, इन सारे ऑर्गेनल्स का डिस्कशन हम लोग पहले कर चुके हैं। ओके, तो बच्चे जो भी ऑर्गेनल्स है दैट वी विल बी डूइंग इन दिस सेशन। ओके, तो अब ये जो सेल ऑर्गेनल्स है, जैसे हमारे बॉडी में अलग अलग ऑर्गेन्स अलग अलग काम करते हैं, देयर इज अ डिविजन ऑफ लेबर। ओके, तो वैसे ही सेल के अंदर अलग अलग ऑर्गेनल्स है, तो हर ऑर्गेनल का काम अलग है। Okay, each living cell has the capacity to perform some basic functions. Okay, हर cell जो होता है, हर living cell जो होता है, वो कुछ ना कुछ function perform करेगा। So there is a division of labor. Division of labor in multicellular organisms such as human beings. Okay, हमारे body में हर organ अलग अलग काम करता है, तो there is a division of labor. Similarly, सेल के अंदर हर ऑर्गेनल अलग अलग काम करता है। This means that different parts of the human body perform different functions. Yes, similarly, division of labor is also seen within a single cell. Yes, हर सेल के अंदर हर ऑर्गेनल जो होता है उसका अलग अलग काम होता है। In fact, each such cell has got a certain specific components within it known as cell organelles. Okay, so we know what are cell organelles. सेल के अंदर जो भी ऑर्गन्स है, छोटे छोटे ऑर्गन्स है, दोज आर सेल ऑर्गेनल्स। और हर एक ऑर्गेनल का एक कुछ तो स्पेसिफिक फंक्शन है, सच एज मेकिंग न्यू मटेरियल इन द सेल, क्लियरिंग ऑफ द वेस्ट, कुछ ना कुछ हर ऑर्गेनल का काम है जो हम लोग डिटेल में देखने वाले। ओके, और ये सारे ऑर्गेनल्स जो है वो मिलाकर एक सेल को बनाते हैं। ओके, सो हमारे सिलेबस में बच्चों देर आर 9 ऑर्गेनल्स। ओके, गॉल्जी अपैरेटस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम्स, माइटोकॉन्ड्रिया, सेंट्रोसोम्स एंड सेंट्रियोल्स, प्लास्टिड्स, लाइसोसोम्स, वैक्यूल्स एंड पेरोक्सीसोम्स। ओके, तो हम लोग ये एक एक करके डिटेल में देखेंगे। पहले हम लोग वो कैसे दिखते हैं वो देखेंगे, स्ट्रक्चर देखेंगे, एंड देन उसका फंक्शन। So let us start with our first cell organelle, that is Golgi apparatus. Okay, अब ये जो Golgi apparatus है बच्चों, इसको प्यार से Golgi complex या फिर आप Golgi body भी कह सकते हो। तो सबसे पहले इसको discover किसने किया था? इसको discover किया था Camillo गॉल्जी ने। कमिलो गॉल्जी नाम का एक साइंटिस्ट था जिसने इसको डिस्कवर किया था। तो बच्चों, ये गॉल्जी अपैरेटस जो है इसका काम क्या है? भाई सबसे पहले तो मैं बता दूं, गॉल्जी अपैरेटस जो है ना, ये आपके न्यूक्लियस के नजदीक होते हैं। ओके, ये न्यूक्लियस दिख रहा है आपको, इस न्यूक्लियस के बच्चों नजदीक होते हैं ये। तो सबसे पहले तो ये यूकैरियोटिक सेल्स में प्रेजेंट होते हैं। ओके, ज्यादा करके यूकैरियोटिक सेल्स में प्रेजेंट होते हैं। और इनका मेन फंक्शन क्या है? चीजों को पैक करना। ओके, चीजों को वेसिकल्स में पैक करना और उनको जहां पर चीजें जाने वाली है उनकी साइट ऑफ एक्शन पर पहुंचाना। ओके, सो बेसिक फंक्शन है इसका। स्ट्रक्चर देखते हैं, तो गॉल्जी अपैरेटस ना, अगर हम लोग उसको सिंप्लीफाई करें, सी दिस इज योर गॉल्जी अपैरेटस। ओके, अगर हम लोग इसको सिंप्लीफाई करें तो कुछ ऐसा दिखता है। सो देयर आर सी द स्ट्रक्चर ऑफ गॉल्जी कॉम्प्लेक्स इज
प्लीमॉर्फिक मतलब उसका एक फॉर्म नहीं है, एक से ज्यादा फॉर्म्स है। तो टिपिकली तीन फॉर्म्स में होते हैं, सिस्टर ने वेसिकल्स एंड ट्यूब्यूल्स। ओके, तो ये जो पैरेलल दिख रहा है आपको, पैरेलल फोल्ड्स दिख रहे हैं, ऐसे लंबे लंबे फोल्ड्स दिख रहे हैं, यहाँ पर भी सिंप्लीफाई करके भी ये जो दिख रहा है आपको लंबे लंबे फोल्ड्स जो एक दूसरे से पैरेलल है, ओके, इनको बोला जाता है व्हाट, सिस्टर्नी। क्या बोला जाता है? सिस्टर्नी। एंड देन वी हैव व्हाट, द सिस्टर्नी व्हिच इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द गोल्जी कॉम्प्लेक्स हैज अ फ्लैटेंड सैक लाइक स्ट्रक्चर। ओके, सैक जैसा होता है और वो फ्लैट होता है। सो विच इज अरेन्ज इन बंडल्स इन पैरेलल फैशन, एक दूसरे से पैरेलली अरेन्ज किए गए हैं। देन वी कम टू द ट्यूब्यूल्स। ओके, ट्यूब्यूल्स आर प्रेजेंट एज ट्यूबुलर एंड ब्रांच्ड। अब यहाँ पर ट्यूब्यूल्स दिख नहीं रहे आपको, आई जस्ट ड्रॉ देम फॉर यू। ओके, तो ट्यूब्यूल्स कैसे होते हैं बच्चे, ये जो ब्लू कलर में मैं ड्रॉ कर रही हूँ, दीज आर योर ट्यूब्यूल्स। ओके, ये जो सिस्टर्न है ना बच्चों, इसके अराउंड होते हैं, ऐसे ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर में होते हैं। ट्यूबलाइक स्ट्रक्चर में होते हैं। सो पूरे जो सिस्टर में होते हैं उनके बाजू में ये ट्यूबलाइक स्ट्रक्चर में होते हैं। सी, ट्यूब्यूल्स आर प्रेजेंट एज ट्यूबुलर, ओके, ट्यूबुलर एंड ब्रांच्ड स्ट्रक्चर्स दैट रेडिएट। रेडिएट मतलब, सी पूरा सेंटेंस साथ में पढ़ोगे ना तो कॉम्प्लिकेटेड लगेगा। ओके, सो व्हाट वी विल डू इज वी विल स्प्लिट द सेंटेंस। दे आर ट्यूबुलर, ऑब्वियसली उनका नाम ट्यूब्यूल्स है तो ट्यूबुलर होंगे। ब्रांच जो होते हैं, स्ट्रक्चर दैट रेडिएट फ्रॉम, रेडिएट फ्रॉम मतलब वो निकलते हैं, किसमें से निकलता है, सिस्टर्ने से। ओके, सिस्टर्ने के बाहर के साइड में ये ट्यूब्यूल्स प्रेजेंट होते हैं एंड आर फेनेस्ट्रेटेड एट द पेरिफेरी, मतलब बाहर के साइड में प्रेजेंट होते हैं। अब आप इसको अगर अच्छे से देखो, गॉल्जी कॉम्प्लेक्स को अच्छे से देखो, तो ना सबसे पहले तो ये न्यूक्लियस के पास में होता है। Yes, जैसे मैंने बोला, न्यूक्लियस के पास में होता है ये, और जो साइड न्यूक्लियस को फेस कर रही है, जो साइड न्यूक्लियस को फेस कर रही है, उसको बोलते हैं सिस फेस। क्या बोलते हैं? सिस फेस। और जो साइड न्यूक्लियस से दूर है, ओके, सो जो न्यूक्लियस को फेस कर रही है, इट इज योर सिस फेस। और जो न्यूक्लियस से दूर है बच्चों, इट इज नोन एज ट्रांस फेस। ओके, इट इज नोन एज व्हाट, ट्रांस फेस। और जो न्यूक्लियस को फेस कर रही है, इट इज सिस फेस। यस, तो ये जो ट्रांस फेस है ना बच्चों, ये जो ट्यूब्यूल्स है, जिस ट्यूब्यूल्स की हम लोग बात कर रहे हैं, तो ट्रांस फेस के यहाँ पर ज्यादातर प्रेजेंट होते हैं। ये जो ट्यूब्यूल्स है, ट्रांस फेस के यहाँ पर कॉन्सेंट्रेटेड होते हैं। यस, तो दूसरा स्ट्रक्चर देखिए हम लोगों ने गॉल्जी कॉम्प्लेक्स का। ओके, एंड देयर इज अ थर्ड पार्ट नोन एज वेसिकल्स। वेसिकल्स मतलब ऐसे छोटे छोटे वेसिकल्स होते हैं। Yes, उसके अंदर चीजें पैक्ड होती है। गॉट इट? तो ये जो पूरे तीनों स्ट्रक्चर मिलाकर जो स्ट्रक्चर बनता है, ओके, सिस्टर ने वेसिकल्स एंड ट्यूब्यूल्स, ये तीनों को मिलाकर जो स्ट्रक्चर बनता है बच्चों, इट इज नोन एज व्हाट, गॉल्जी कॉम्प्लेक्स या फिर गॉल्जी अपैरेटस। ये जो गॉल्जी अपैरेटस है बच्चों, ये दोनों में होता है, एनिमल्स में भी होता है, एनिमल सेल्स में भी होता है, और प्लांट सेल्स में भी होता है। अब जब मैं एनिमल सेल्स की बात कर रही थी, जब मैं न्यूक्लियस की बात कर रही थी कि न्यूक्लियस के नजदीक होता है या जो भी है, तो वो मैं एनिमल्स की बात कर रही थी। यस, मैं एनिमल्स की बात कर रही थी, एनिमल सेल्स में ऐसा होता है। बट व्हेन यू कम टू द प्लांट सेल्स, ओके, जब भी आप प्लांट सेल्स की बात करते हो, तो सपोज दिस इज योर प्लांट सेल, ओके, सपोज दिस इज योर प्लांट सेल, तो ना ये प्लांट सेल में कहीं भी होते हैं। ओके, कहीं भी ऐसे प्रेजेंट होते हैं पूरे प्लांट सेल में, और इनको प्लांट सेल में बोला जाता है डिक्टियोसोम्स, इन प्लांट सेल्स। ओके, तो डिक्टियोसोम्स इन प्लांट सेल्स, तो ये कहीं भी प्रेजेंट होते हैं। बट वेर एज व्हेन वी कम टू द एनिमल सेल्स, ये न्यूक्लियस के पास में होते हैं। यस, तो चले आगे, स्ट्रक्चर हो गया, कैसे दिखते हैं सब समझ गया अच्छे से। अच्छा, ये पॉइंट याद रखना बच्चों, जो न्यूक्लियस की तरफ होता है, जो न्यूक्लियस की तरफ फेस होता है, दैट इज सिस फेस। ओके, जो पार्ट न्यूक्लियस की तरफ होता है, और जो न्यूक्लियस से दूर होता है, दैट इज ट्रांस फेस। यस, अब फंक्शन देखते हैं। तो सबसे पहला इसका फंक्शन क्या है, इट स्टोर्स, मॉडिफाइज
एंड पैकेजेस प्रोडक्ट्स। अब प्रोडक्ट्स मतलब वो प्रोडक्ट्स कुछ भी हो सकते हैं, प्रोटीन्स हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं। तो सपोज न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस ने कुछ तो एक प्रोडक्ट बनाया, सपोज प्रोटीन बनाया। ओके, तो सपोज न्यूक्लियस ने प्रोटीन बनाया, वो ऑलरेडी एक इसमें पैक्ड होगा। ओके, वो ऑलरेडी एक मेम्ब्रेन में पैक्ड होगा। वो जाएगा सिस फेज से। ओके, सिस फेज से वो जाएगा गॉल्जी अपैरेटस के अंदर। ओके, गॉल्जी अपैरेटस के अंदर वो मॉडिफाई होगा, क्योंकि कभी कभी स्टोर भी होता है, मॉडिफाई होगा और उसका पैकेजिंग अच्छा हो जाएगा। ओके, पैकेजिंग अच्छा हो जाएगा और ये आप देख पा रहे हो ट्रांस फेज जो है, जो न्यूक्लियस से दूर है, ओके, न्यूक्लियस से जो दूर है वो ट्रांस फेज से निकल जा रहा है। ओके, अलग पैकेजिंग में ट्रांस फेज से निकल जा रहा है एंड देन दे गो टू देयर साइट ऑफ एक्शन, जहां जहां प्रोटीन को जाना है दे गो ओवर देयर। तो प्रोटीन और बाकी सारे बहुत सारे प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जो सिंथेसाइज जो न्यूक्लियस करता है उनका पैकेजिंग, मॉडिफिकेशन और स्टोरिंग कौन करता है? गॉल्जी अपैरेटस। नाउ दिस पॉइंट इज क्वाइट इंपॉर्टेंट। नाउ वी कम टू द सेकेंड पॉइंट, दैट इज ट्रांसफॉर्म सिंपल शुगर। अब मैंने आपको बोला था मॉडिफाई भी करता है। ओके, तो जो सिंपल शुगर है न्यूक्लियस, जो सिंपल शुगर देगा वो उसको कॉम्प्लेक्स शुगर बनाएगा। ओके, इट ट्रांसफॉर्म सिंपल शुगर इंटू कॉम्प्लेक्स शुगर एंड इसको और एक फंक्शन है, दैट इज इट इज इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ लाइसोजोम। ओके, लाइसोजोम की फॉर्मेशन में काफी बड़ा हाथ होता है गॉल्जी अपैरेटस का। सो दिस इज योर गॉल्जी अपैरेटस गाइस। इसका स्ट्रक्चर और फंक्शन काफी सिंपल फॉर्मेट में हमने पढ़ा। तो स्ट्रक्चर इज मेड अप ऑफ थ्री पार्ट्स, सिस्टर रिंग। ओके, सिस्टर रिंग कैसे होते हैं? ऐसे लंबे सैक लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जो एक दूसरे के ऊपर स्टैक्ड होते हैं। यस, सात आठ होते हैं, 7 to 8 सिस्टर रिंग्स होते हैं जो एक दूसरे के ऊपर पैक्ड होते हैं। ओके, देन वी कम टू द सेकेंड पार्ट, दैट इज ट्यूब्यूल। तो ये ट्यूब्यूल जो होता है वो सिस्टर ने के बाहर की साइड में होता है, सो दैट वो एक साथ रहे। ओके, अलग सेपरेटली, सेपरेट ना हो जाए वो सिस्टर ने पूरा साथ में रहे, ये काम होता है ट्यूब्यूल का। देन वी कम टू द वेसिकल्स। अब वेसिकल्स मतलब जिसमें पैकेजिंग हो रही है। ओके, यू कैन सी ओवर हियर, जिसमें पैकेजिंग हो रही है, दोज आर योर वेसिकल्स। Then we saw कि जो साइड जो होती है न्यूक्लियस को फेस करती है, that is cis phase, न्यूक्लियस से जो दूर होती है, that is the trans phase. And yes, animals में वो न्यूक्लियस के नजदीक होते हैं गॉल्जी अपैरेटस, whereas plant cells में इनको dictyosomes बोला जाता है और वो कहीं भी प्रेजेंट होते हैं पूरी प्लांट सेल में। ओके, सो दैट इज इट अबाउट द गॉल्जी अपैरेटस गाइस। नेक्स्ट सेशन में वी विल बी स्टडिंग अबाउट द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। So that's it guys, keep studying. Ciao, bye bye.